राष्ट्रीय हिंदी दैनिक धर्ममित्र श्रम ही आधार, सिर्फ खबर से सरोकार। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज के सिरादू से लड़ेंगे चुनाव। यूपी चुनाव 2022 के तहत लखनऊ में बोले अखिलेश यादव, भाजपा के मंत्रियों और विधायकों के लिए अब सपा के दरवाजे बंद। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पोते को भाजपा ने गढ़मुक्तेश्वर से बनाया उम्मीदवार। सिंधु बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक जारी, राकेश टिकैत भी हुए शामिल। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव ने कसा तंज, बोले स्वामी प्रसाद मौर्य भूटान के काउंसलर और दारा सिंह युगांडा के राष्ट्रपति बनने जा रहे। कन्वेंस अलाउंस में भारी भरकम बढ़ोतरी, कार से चलने वालों को होगा सबसे ज्यादा फायदा। मेडिकल स्टाफ की कमी से जूझ रहा अमेरिका, अन्य देशों में भी कोरोना से हाल बेहाल। एप्पल आईफोन चलाना होगा महंगा, कंपनी बढ़ाएगी अपने एप्लीकेशन चार्ज। पीएम का ऐलान, 16 जनवरी को मनेगा नेशनल स्टार्टअप डे, स्टार्टअप को बताया नए भारत की रीढ़। सेना दिवस पर गर्जे सेना प्रमुख जनरल नरवणे, व्यर्थ नहीं जाएगा गलवान के शहीद जवानों का बलिदान। देश भर में बढ़ रहे कोरोना के मामले, बीते 24 घंटे में 268,833 नए मामले आए, 16.66% हुआ पॉजिटिविटी रेट। अलवर में मूक बधिर नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म पर भड़का लोगों का गुस्सा, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर उठा रहे सवाल। महाराष्ट्र में डरा रही कोरोना की रफ्तार, दिल्ली में 24,383 नए मामले, देश में दैनिक संक्रमण दर 15% के करीब। 17 जनवरी से शुरू हो रहा 5 दिवसीय दावोस शिखर सम्मेलन, WEF के दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे मोदी। दिल्ली, पंजाब और कश्मीर को दहलाने की साजिश नाकाम, ISI और खालिस्तानी आतंकियों का हाथ होने की आशंका। 12 दिन में करीब 43% किशोरों को पहली डोज, 65 करोड़ से अधिक हुआ पूर्ण टीकाकरण। उत्तर कोरिया ने फिर किया मिसाइल टेस्ट, इस माह में तीसरा परीक्षण, पड़ोसी देशों की बड़ी धड़कन। अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने दी जानकारी, ऑपरेशन फॉल्स फ्लैग के जरिए यूक्रेन पर हमला करने की फिराक में रूस। अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू पर 2000 करोड़ के घोटाले का आरोप, प्रदर्शन कर रहे 100 लोगों को हिरासत में लिया गया, वहीं 25 पर लगाया गया UAPA। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका की मदद को आगे आया भारत, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किए कई समझौते। चीन द्वारा अवैध निर्माण को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना, बोले पीएम मोदी ने हमारे पड़ोसी को भी खतरे में डाला। मुंबई के मेयर किशोरी पेडनेकर का बयान, पालतू पशुओं के शवों का निपटान बिजली के भस्मक में होगा, दहिसर शमशान में BMC लगाएगा संयंत्र। 26 जनवरी की परेड में शामिल हो सकेंगे 24,000 लोग, इस बार भी नहीं होगा कोई विदेशी मेहमान। अब हर साल 23 जनवरी से शुरू होगा गणतंत्र दिवस का जश्न, सुभाष चंद्र बोस की जयंती शामिल करने के लिए बदली गई तारीख। 74वां सेना दिवस मना रही भारतीय सेना, हिमाचल के कांगड़ा जिला को मिला देश का पहला परमवीर चक्र पाने का गौरव।